हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिम्मीज मैजिक किचन में। रिपब्लिक डे के लिए आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसानी से एक ट्राई कलर रेसिपी, वो भी विदाउट फूड कलर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने दो ब्रेड का पीस लिया, उसको टुकड़े में करके उसे ग्राइंड करके एक साइड रख लिया। अब मैंने 3-4 उबले हुए आलू ले लिए और उसे बहुत अच्छी तरह मैश कर लेंगे ताकि उसमें कोई भी गुठली ना रहे। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 बड़ी चम्मच चाट मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। अब एक तरफ मैंने 1 मिक्सी में धनिया ले लिया और साथ ही कुछ पुदीना का पत्ता ले लिया और 3-4 हरी मिर्च ले ली। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे, साथ ही इसमें थोड़ी सी हरी मटर डाल के उसे भी ग्राइंड कर लेंगे। जो आलू में मैंने सारे मसाले डाले थे अब उसे मिक्स कर लेते हैं। इसे बनाते समय आलू उबाल के थोड़ी देर उसे ठंडा कर लीजिए या फिर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद उसे यूज़ करिए। उससे ये डो बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। अब मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं और उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ मैं, और 1 पार्ट को हटा के एक साइड रख देंगे और दूसरे पार्ट में जो मैंने धनिया और मटर का मिक्सचर बनाया था उसे डाल लेंगे और उसे डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने कोई भी कलर यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये इसी से इसका कलर अच्छा ग्रीन आ जाएगा। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर ली हूँ तो इसको भी हाफ पार्ट में डिवाइड कर लूँगी और हाफ पार्ट में मैं 3 से 4 चम्मच जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए थे उसको डाल के इसमें मिक्स कर लेंगे। इससे थोड़ा ये मिक्सचर हार्ड हो जाएगा और हम इसको प्रॉपर शेप दे पाएंगे। ये तो बन गया फ्लैग का ग्रीन कलर। अब बनाते हैं ऑरेंज कलर। उसके लिए मैंने एक मिक्सर में गाजर ले लिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके और उसको भी ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने से ही इसका कलर ऑरेंज आएगा। अब मैं एक बाउल में सारा ग्राइंड किया हुआ निकाल लेती हूँ और उसमें अपना जो आलू का हमने मसाला बना के रखा हुआ वो भी इसमें डाल देते हैं। इसमें ऑरेंज कलर को थोड़ा और कलर देने के लिए मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच तीखी लाल मिर्च डाल दूंगी, थोड़ा नमक, और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें भी मैं 1 से 1.5 चम्मच के करीब जो अपना ब्रेड क्रम्स बना के रखा है वो डाल दूंगी ताकि इसको भी हम अच्छा शेप दे पाएं। अब मैंने गैस पे तवा रख दिया और उसमें एक एक करके हाथ में तेल लगा के अपना पैटीज बनाएंगे। इसे पैटीज का शेप देंगे और शेप देने के बाद इसे मैं तवा में रखते जाऊंगी। देखिए कितना अच्छा प्रॉपर शेप बन के आ रहा है। इसी तरह शेप का मैं 2 ग्रीन कलर और 2 ऑरेंज कलर बना ली हूँ। अब इसे थोड़ा तेल डाल के तवे पे बहुत आराम से धीरे धीरे करके सेक लेंगे। पलटते समय बस आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ये टूट ना जाए। इसे बहुत आराम से और धीरे धीरे पलटेंगे तो बहुत अच्छा एक पैटिस बन के रेडी हो जाएगा। अब इसे एक एक करके हम सारा निकाल लेते हैं। अब हम देंगे अपने तिरंगे के फ्लैग का शेप। उसके लिए मैंने एक ब्रेड ले लिया और उसके चारों कॉर्नर्स काट के उसमें थोड़ा सा मेयोनेज लगाया और उसमें एक और ब्रेड उसी साइज का चिपका देंगे। ये हो जाएगा तिरंगे का वाइट पार्ट। अब इस तिरंगे को शेप दे देते हैं। मैंने एक एक करके सारे पैटीज को तिरंगे के शेप में रख दिया और एक पुदीने का स्टिक ले लिया और उसे भी लगा के इसे प्रॉपर एक तिरंगे का शेप बना दिया। तो बन गया हमारा परफेक्ट तिरंगा। इस रिपब्लिक डे में आप भी बनाइए ट्राई कलर रेसिपी।